नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण। आज हम जानेंगे उड़ीसा के सोनपुर रियासत की कहानी। उड़ीसा की सोनपुर रियासत, जिसे आज सुबर्णपुर कहा जाता है, उसका इतिहास खास है दो कारणों से। पहला कारण तो ये है कि सोनपुर का भगवान श्री राम और रामायण से बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, और दूसरा कारण ये कि जो सोनपुर रियासत थी वो उड़ीसा की मयूरभंज के बाद सबसे वेल एडमिनिस्टर्ड रियासत हुआ करती थी। अब सोनपुर रियासत का इतिहास समझने के लिए हमें प्राचीन भारत और प्राचीन उड़ीसा के इतिहास को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्राचीन काल में उड़ीसा जो था वो जो दो डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड हुआ करता था। जो ईस्टर्न रीजन है, जो समुद्र तट के पास वाला जो रीजन है, वो था कलिंग, और जो इंटीरियर्स का रीजन है, जो संभलपुर है, बालनगीर है, ये जो सुबर्णपुर रीजन आता है, ये था कोसला रीजन। अब कोसला जो है उसका हमें रेफरेंसेस जो हमारे प्राचीन टेक्स्ट हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, उसमें मिलता है। ये पूरा एक जंगल का इलाका हुआ करता था, जहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहा करते थे, और जो मेन जो हाईवे जो हम बोल सकते हैं, या ट्रेडिंग आर्टरी जो हम बोल सकते हैं, वो महानदी हुआ करती थी। बिकॉज उस समय रास्ते नहीं होते थे, रस्तों पर सिक्योरिटी नहीं होती थी, आप जंगली जानवर अटैक करेंगे, डाकू अटैक करेंगे। तो प्राचीन काल में उड़ीसा का जो सेफेस्ट ट्रैवल का जो रूट था वो था बोट के थ्रू। आप महानदी से, इंटीरियर से आप अपना सामान बोट में डालकर समुद्र की तरफ ले जाए। और सोनपुर जो है, जो आज सुबर्णपुर जिले में आता है, वो महानदी के ऊपर, महानदी के तट के ऊपर स्थित एक प्रॉस्परस ट्रेडिंग टाउन हुआ करता था प्राचीन काल में। कोसला रीजन, नाउ जो मैंने आपको बताया कि सोनपुर का रामायण से एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, तो वो जो रिलेशन है उसकी शुरुआत होती है नाम को लेकर। अब सोनपुर का नाम सोनपुर क्यों है, इसका जवाब हमें महानदी के पानी में मिलता है। अब देखिए, प्राचीन काल में जो सोना मिलता था, तो उस समय जैसे कि हम जानते हैं कि कोलार की गोल्ड माइंस हैं, साउथ अफ्रीका की सोने की खदानें हैं, तो उस समय प्राचीन काल में खदानें नहीं हुआ करती थी। उस समय क्या होता था कि ये जो नदी है, तो जैसे कि सोना है वो बारिश के पानी से उसके जो ग्रेवल्स होते हैं, जो कंकर जिसे हम बोलते हैं, सोने के कंकर, ये नदी के मतलब बारिश के पानी से नदी के पानी में आते थे, और फिर वो जो अलूवियल सॉइल है, नदी जो मिट्टी छोड़ती है दोनों साइड में, तो वहाँ पे ये सोने के कंकर मिला करते थे। और जो लोकल लोग होते थे वो इस सोने के जो कंकर हैं उसको ऐसे मतलब मिट्टी को वो छन्नी में से छनते थे और उसमें से सोना निकलता था। अब जो लोकेशन है सोनपुर का, तो उसके ऊपर जो इनफैक्ट जो सेंट्रल इंडिया है, वहाँ से ये महानदी फ्लो होकर आती है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्न है, तो उस टर्न की वजह से काफ़ी महानदी जो है वो काफ़ी मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट करती थी, और उस मिट्टी में से सोना निकलता था, तो उसकी वजह से सोनपुर इस जगह का नाम पड़ा। और काफ़ी रिसर्चर्स में एक अल्टरनेट थ्योरी ये भी है कि जो रावण की जो लंका थी वो सोनपुर हुआ करती थी। बिकॉज द रीज़न फॉर दैट इज कि लंका, द वर्ड लंका इज़ अ वेरी जेनेरिक ड्रविडियन वर्ड फॉर एन आइलैंड, और उस समय रामायण काल में जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि ये जो सोनपुर का इलाका है वो महानदी के कारण एक द्वीप, एन आइलैंड इन द रिवर हुआ करता था। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इवन फोकलोर वाइज देखो, ओरल ट्रेडिशन वाइज देखो, तो सोने की लंका, ये जो अभी पूरे रामायण में लिखा गया है रावण की सोने की लंका, तो आप सोचो कि श्रीलंका का सोने के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे
जो हीरे जवाहरात मिलते हैं वहाँ पे, सैफायर रूबीज मिलते हैं, पर सोना नहीं मिलता है। तो ये जो कनेक्शन है सोने की लंका, तो वो कहाँ से आता है? इनफैक्ट डॉक्टर एच डी संकल्या, जो हमारे भारत के सबसे प्रमुख हिस्टोरियंस में से एक है, तो उनकी तो यही थ्योरी थी कि जो लंका है, जो रामायण की लंका है, वो सोनपुर ही है। टिबेटन सोर्सेज में तो क्लियरली जो टिबेटन्स हैं वो बोलते हैं कि जो लंका थी वो उड़ीसा में थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, बट ये एक थ्योरी है। और दूसरी बात ये है कि सोनपुर के पास जो नदी है वहाँ पे काफ़ी जगहों में, नदी के तट पर काफ़ी मंदिर मिलते हैं लंकेश्वरी देवी के। अभी अगेन, अब लंकेश्वरी देवी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। क्या कनेक्शन था लंकेश्वरी का लंका के साथ और लंकेश्वरी का सोनपुर के साथ? ये सवाल उठाता है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे। क्या जो भगवान श्री राम की जो जिस लंका पर कैप्चर किया था उन्होंने, रावण की लंका, वो श्रीलंका थी या सोनपुर? भारत का आगे का इतिहास है, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य है, उनका यहाँ पर राज हुआ। पर ये जो उड़ीसा का ये जो इलाका है ना, ये पूरा ट्राइबल एरिया है। तो जो सेंटर ऑफ कंट्रोल हुआ करता था वो महानदी के पास हुआ करता था, और जो रिवराइन पोर्ट्स थे उस समय के, वहाँ पे हुआ करता था और कोस्ट पे हुआ करता था। बट इंटीरियर्स पे जो ट्राइब्स थे वो अपनी तरह से रहते थे। अब 12वीं शताब्दी में क्या होता है कि जो रमाई देव करके है, वो मतलब क्लेम किया जाता है कि वो जो है वो चौहान, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान परिवार से थे। और जब जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो अटैक्स हुए उत्तर भारत में, तब काफ़ी राजपूत जो लोग थे वो उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज में उन्होंने शरण ली। तो तब रमाई देव करके एक जो प्रिंस थे, उन्होंने यहाँ पे उस समय यहाँ पे अष्ट मलिक करके 8 प्रधानों का राज हुआ करता था, तो उनको हराकर अपना राज्य स्थापित किया। और इस समय से चौहान डिनेस्टी की यहाँ पे स्थापना हुई। अब रमई देव के बाद, मैंने आपको बोलंगीर रियासत की स्टोरी में बताया था कि उनके एक वंशज थे बलराम देव। बलराम देव जो थे उन्होंने बालनगीर, जिसे आज का बोलंगीर है, उसकी स्थापना की। और फिर जो बोलंगीर का राज्य है वो 2 हिस्सों में बट गया, एक था बोलंगीर का राज और दूसरा था संबलपुर का राज। अब संबलपुर का राज बहुत ही बड़ा और ताकतवर राज था। और आगे चल के अराउंड 1650s में संबलपुर का राज भी टूटा, और मदन गोपाल करके एक जो संबलपुर के राजा के जो दूसरे बेटे थे उनको, मतलब ये जो पूरा सोनपुर का इलाका है उसे डिटैच करके, संबलपुर से डिटैच करके एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाई गई। तो 1650 टू 1650 इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ सोनपुर रियासत। अब सोनपुर जो था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि महानदी पे होने के कारण एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था। और हमें रेफरेंस मिलते हैं कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी है उस टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे रिवराइन जो बोट्स होते थे वो हुआ करते थे, और यहाँ पे काफ़ी व्यापारी भी आकर बसे थे। इनफैक्ट हमें ये रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि इनफैक्ट ऑलमोस्ट उस टाइम पे पॉपुलेशन सोनपुर का 52,000 लोग यहाँ पे रहा करते थे। ये मैं मुगल काल की बात कर रहा हूँ, 1650s और 1700s की। तो ये हमें बताता है कि कितना प्रमुख उस समय सोनपुर रहा होगा। हमें ये भी रेफरेंस मिलते हैं कि जब मुगलों ने जगन्नाथ पुरी के फेमस जगन्नाथ मंदिर पर अटैक किया था, तब भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति को प्रोटेक्शन के लिए नदी से ऊपर लाकर सोनपुर में कुछ सालों तक। हमें ये तो डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलता है कि मुगलों ने कभी सोनपुर पर अटैक किया हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बिकॉज ये इंटीरियर का इलाका था, मुगलों को इतना यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं था। जब तक लगान
मिलता था उनको, दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि यहाँ पर आकर गैरिसन बनाए या इस पर अटैक करें एंड ऑल। 1760s के बाद जो पेशवा बाजीराव सिंधिया होलकर जो है वो गुजरात, मालवा, पंजाब, राजस्थान इन एरियाज़ पर अटैक करने लगे। सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, ये जो पूरा एरिया है वो नागपुर के भोसले के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था। और राघुजी भोसले और मुडोजी भोसले, उनके जो बाकी के जो उत्तराधिकारी थे, तो नागपुरकर भोसले ने इन उड़ीसा पर अटैक किया। और ये जो काल था ये बहुत ही डार्क काल था, बिकॉज मराठे हैं, उन्होंने काफ़ी लूटपाट की, काफ़ी यहाँ पर डैमेजेस किए। वो आते थे लूटपाट करके खजाना लेके जाते थे नागपुर। और इनफैक्ट 1802 में जो भोसला आर्मी है उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया, और यहाँ के जितने भी राजा हैं, इंक्लूडिंग सोनपुर के राजा, बोलनगीर के राजा, संबलपुर के राजा, और ये जो अथमलिक, ये यहाँ के जो राजा हैं उनको बंदी बनाकर चंदा के किले में, जो आज का जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है, वहाँ पे उनको बंदी बनाकर रखा गया। अब 1802 में बिकॉज राजा को बंदी बनाया गया, 1803 में जो सोनपुर की रानी थी उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन की कि आप प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1805 के दौरान जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, तो नागपुरकर भोसले और अंग्रेज़ों के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और इनफैक्ट नागपुरकर भोसले की हार हुई। उसके बाद जो सोनपुर और ये बालनगीर, संबलपुर, ये जो बाकी की जो उड़ीसा की जो रियासतें थी, उनका एक स्टेटस चेंज होता रहा। कभी वो नागपुरकर भोसले के पास, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, एंड फाइनली 1821 में सोनपुर रियासत जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर आ गई। इंटरेस्टिंगली 1820s और 1830s का जो काल था, उस समय पूरे ईस्टर्न इंडिया में, इनफैक्ट भारत में एक विद्रोह हुआ था। अगेन हम उसकी बात नहीं करते हैं, और ये था जो आदिवासियों का विद्रोह। बिकॉज उस टाइम पे क्या हो गया था कि देखिए, ऑलमोस्ट 2000 साल तक जो आदिवासी थे वो जंगलों में रहते थे, और उनके जो राइट्स थे, फॉरेस्ट राइट्स, कि आप जंगल का जो प्रोड्यूस है, वहाँ पे शिकार करना, वहाँ से जो प्रोड्यूस मिलता था, वहाँ की लकड़ी था, उन पर लाइक हमेशा आदिवासियों का, उनका ये जो जंगल थे वो उनके जंगल थे। पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने अपने फॉरेस्ट राइट्स अपने डलवाए, बिकॉज वो चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्टर जो राज है, कॉन्ट्रैक्टर राज जो सैडली आज भी भारत में चल रहा है, वो चलता रहे, और जो उस समय के पॉलिटिशियंस थे उनको पैसा मिलता रहे। तो उन्होंने ये सिस्टम किया कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग ही लकड़ियाँ काट सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग ही माइनिंग कर सकते हैं। उस समय 1830 से ये अंग्रेज़ों की ये शुरुआत थी, और उसके कारण जो संथल रिवोल्ट हम देख सकते हैं, फिर जो बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट था झारखंड में, पाइक रिवोल्ट था उड़ीसा में, और इनफैक्ट इवन जो सोनपुर का इलाका है वहाँ के आसपास, ये जो कंधमाल, कंध ट्राइब्स करके जो है, उनका एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसमें सोनपुर का इलाका भी इन्वॉल्व था। बट जो सोनपुर के जो राजा है उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और ये ट्राइबल रिवोल्ट ख़त्म हो गया। इनफैक्ट इवन सोनपुर के राजा और अंग्रेज़ों के इतने अच्छे संबंध थे कि 1857 में हम बात करते हैं झांसी के रिवोल्ट की और दिल्ली के रिवोल्ट की, बट संभलपुर में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो 1857 का गदर है उस समय, और सोनपुर के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था उसमें, और संबलपुर का जो रिवोल्ट है वो क्रश किया था। 1857 के बाद जो सोनपुर के राजा है और अंग्रेज़ हैं, उनका बहुत अच्छा, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट जो सोनपुर के राजा थे, राजा नीलाधर, जो 1857 में राज कर रहे थे, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट उड़िया प्रिंसेस टू लर्न इंग्लिश। और उसके कारण क्या हो गया कि इवन दो सोनपुर एक इंटीरियर का इलाका था,
जो यहाँ के जो राजा थे उनका एक बहुत ब्रॉड आउटलुक था। और आगे चल के 1857 तक सोनपुर बहुत लकी रहा कि उनके उनको अच्छे राजा जन लाइक एक पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे राजा मिले जो पढ़े लिखे थे, जिनका एक विजन था। तो फॉर एग्जांपल जो राजा नीलाधर थे, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी, तो उनके लड़के थे राजा प्रताप रुद्र। तो उनके समय में, अभी ये मैं 1890s की बात कर रहा हूँ, उस समय में काफ़ी लैंड रिफॉर्म्स हुए सोनपुर में। जो फॉर एग्जांपल उस समय किसकी ज़मीन कहाँ पर है, इसका एक प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स बनाए गए। और उसके बाद 1902 में सोनपुर के राजा बने बिमित्रो सिंहदेव, जिन्हें बीएम सिंहदेव कहा जाता है। अब बीएम सिंहदेव का काल था 1902 to 1937, और ये गोल्डन एज ऑफ सोनपुर कहा जाता है। बिमित्र सिंहदेव ने पूरे सोनपुर की पूरी काया पलट कर दी। वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो बहुत विजनरी थे। उनके समय में यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल खोले गए। उन्होंने जो कटक का रेवेनशॉ कॉलेज है उसे काफ़ी पैसा दिया। वो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। उनके जो बीएम सिंह देव के काल में काफ़ी जो संस्कृत वर्क्स हैं उसका ट्रांसलेशन कार्य लिया गया, और एंड लॉट ऑफ दीज रेयर संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू ओडिया। फिर आगे चल के जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो भारत की रियासतों में सोनपुर, जो बहुत ही छोटी और एक यू नो विद द ट्राइबल पॉपुलेशन वाली रियासत थी, उन्होंने अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की। जब भारतीय उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो जवान थे वो मेसोपोटेमिया, जो आज का इराक है, वहाँ पर लड़ रहे थे, तो सोनपुर ने चावल भेजे उनके खान पान के लिए। उन्होंने कंट्रीब्यूट किए बॉम्बर जेट्स जो अंग्रेज़ इस्तेमाल कर सके। उन्होंने रेड क्रॉस, जो इंडियन रेड क्रॉस है, उसे कंट्रीब्यूट किया। और कुल मिला के 9 लाख रुपए, जो उस समय की बहुत बड़ी राशि थी, अंग्रेज़ों को पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ सोनपुर ने मदद की। और इसके कारण जो अंग्रेज़ थे उनका एक सोनपुर के प्रति एक बहुत कृतज्ञता थी, और उन्होंने सोनपुर के राजा को काफ़ी टाइटल्स दिए, और एक हाई स्टेटस था महाराजा बीएम सिंहदेव का अंग्रेज़ों के नज़रिए में। अराउंड 1937 में बीएम सिंहदेव की का निधन हुआ, और उनके जो उत्तराधिकारी है महाराजा सुधांशु शेखर सिंहदेव, वो सोनपुर के आखिरी रूलिंग राजा बने। उनके कार्यकाल में वो अपने पिता की तरह स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं थे, और उन्हें एक चैलेंज फेस करना पड़ा, वो था प्रजामंडल का। अब ये समय था जब स्वतंत्रता संग्राम पूरे भारत में फैल रहा था। आज़ादी की हवा, एक नए दौर की हवा जो थी वो देश भर में चल रही थी। और उस समय जो प्रजामंडल है और स्वतंत्रता संग्राम है वो सोनपुर में भी आया। लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। उनकी और जो रियासत है उसके बीच में काफ़ी झड़पें हुई, लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए। जो सोनपुर दरबार है उसने एक सप्रेस करने की बात की। बट एक बात अच्छी थी कि जो सोनपुर के जो प्रीवियस राजा थे बीएम सिंह देव, उन्होंने एक फंड, ट्रस्ट फंड बनाया था, सॉवरन फंड बनाया था, जिसे सोनपुर फंड कहा जाता था। ये 25 लाख रुपए का फंड था। और जैसे आज हम सुनते हैं कि दुबई का सॉवरन फंड और ब्रुनाई का सॉवरन फंड, तो अबू धाबी का सॉवरन फंड, तो उस समय ना ही वाज सो विजनरी बीएम सिंह देव कि उन्होंने सोनपुर फंड करके एक बनाया था। और उस पैसे 25 लाख रुपए के जो इंटरेस्ट आता था उससे यहाँ पे आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, हेल्थ केयर, ये सारा चलाया जाता था। फाइनली 1947 में सोनपुर रियासत भारत में, उन्होंने ट्रीटी साइन की एंड दे एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन। और उसके बाद एक थोड़ा सा खींचातानी शुरू हो गई, बिकॉज उस समय जो ब्रिटिश उड़ीसा थी, आई मीन नॉट ब्रिटिश उड़ीसा, उड़ीसा जो प्रांत था वो कटक और वो एरिया जो पहले के जो ब्रिटिश गवर्नड एरियाज थे वहाँ पे हुआ करता था, और रियासत थी वो अलग थी। तो
तो यहाँ पे काफी आंदोलन चले लोगों के बीच में। तो राजा जो थे वो चाहते थे कि उड़ीसा यूनियन, जो रियासतों का जैसे कि बोलंगीर और अथमलेक, बौद्ध, ये सारे रियासतें हैं, सोनपुर, ये सारे एक यूनियन बनाए और उनकी एक अपना अपना एक स्टेट हो, और जो दूसरे दूसरे साइड पे जो प्रजा थी वो चाहती थी कि पूरा उड़ीसा एक हो। तो उस पर काफ़ी खींचातानी हुई और फाइनली ऑन 26 जनवरी 1950 जो सोनपुर रियासत है वो उड़ीसा का पार्ट हुई, और आज उड़ीसा सोनपुर इज़ अ पार्ट ऑफ सुबर्णपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, और यहाँ पे अपने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। तो और उसका इतिहास अभी आगे मतलब भगवान श्री राम के काल से अभी तक चल रहा है। तो ये थी कहानी उड़ीसा के सोनपुर रियासत की।